हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पोटली अनीता की। आज हम बनाएंगे चुकंदर का जूस, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इनको हम पहले पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो चुकंदर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसके लिए हमें जूसर की ज़रूरत नहीं है। और इनको हम डाल लेंगे हमारे मिक्सिंग जार में। इसमें मैं छोटे दो गिलास पानी के डाल रही हूँ। आप जितना चुकंदर ले रहे हैं उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। इसमें मैंने लगभग, ये डिप हो गया है, लगभग इतना पानी डाल दिया है। अब मैं इसको चला लेती हूँ। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर इसमें कुछ पीसेस बच जाएंगे तो हम उनको दोबारा से फिर से मिक्सर में डाल के चला लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक जूस हमें नहीं पीना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ पानी हमने पहले से मिक्स किया हुआ है, काफ़ी थिक जूस निकला है। अब इसको जो बचा है फिर से हम मिक्सी में चलाएंगे। अब इसको भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। चुकंदर का जूस पीते ही आपका बीपी नॉर्मल होने लगता है। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर कम हो तो उसका खून ये बढ़ा देता है, एच भी बढ़ाता है। और साथ ही इसके अंदर B12 होता है। आजकल B12 विटामिन डी और कैल्शियम की सभी के अंदर कमी हो गई है, क्योंकि हम धूप में नहीं बैठ पाते। और शाकाहारियों को B12 के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शाकाहारी लोगों के लिए B12 का ये बहुत अच्छा सोर्स है। गाजर, बीटरूट, शलगम, जो भी जड़ों वाली मूली, जो भी जमीन के नीचे लगती हैं वेजिटेबल, उन सभी में B12 मिलता है। ये अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जूस बना है हमारा। इसको अब हम सर्व करते हैं। इसका तो कलर देखते ही बच्चे इसको मांगना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और इसके अंदर आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारे जूस के ग्लास को हम इस तरीके से सजा देंगे। ये देखिए, तो अब आप भी चुकंदर का जूस। अन्य बेनिफिट देखें तो ये एक्सरसाइज करने का स्टेमिना बढ़ाता है, वेट मेंटेन करने में हेल्पफुल है, कैंसर को रोकता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पोटेशियम से भरपूर, मिनरल से भरपूर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।